एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चीची था। चीची बहुत ज्यादा शैतान चिड़िया थी। अरे बेटा चीची, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आई हूँ, चलो आओ दाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे दाना नहीं खाना, मैं कालू भैया के साथ खेल रही हूँ, मुझे खेलना है। बेटा खेल बाद में लेना, अभी आकर के खाना खा लीजिए। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना खाना, मैं तो कालू भैया के साथ खेल रही ठीक है, जब तुम्हारा मन करे आकर खाना खा लेना, मैं बाहर जाकर दाना देख आती हूँ। हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाइए आराम से, आप दाना देखिए, मैं और कालू भैया खेल रहे हैं। टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू भैया चलिए हम उस पहाड़ी पे जाकर के बॉल से खेलते हैं। अरे नहीं, हम उस पहाड़ी पर नहीं जा रहे हैं, मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी, हम यहीं पर खेलते हैं। पर मेरी मम्मा तो जा चुकी हैं और आपकी मम्मा भी जा चुकी हैं, तो हम आराम से वहां जाकर खेल सकते हैं। नहीं, चीची, मैं नहीं जा सकता वहां पर, अगर मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। चलिए ना कालू भैया प्लीज। वो दोनों उड़कर पहाड़ी पर पहुंचने लगते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चीची काले कौवे से कहती है। ऐसा कहने के बाद जैसे ही चीची बॉल फेंकती है, उसका पैर फिसल जाता है और वे एक गहरे गड्ढे में जाकर के गिर जाती है। चीची तो एक गड्ढे में गिर गई, अब मैं इसे कैसे बचाऊं? चीची, चीची। अरे ये तो नीचे चली गई, अब मैं क्या करूं? से चला जाता हूँ, अगर चीची की मम्मी ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैंने चीची को धक्का दिया है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सोचकर काला कौवा वहां से चला जाता है और चीची गड्ढे में ही फंसी रह जाती है। कुछ समय बाद जब चीची की मम्मी अपने घोंसले में वापस आती है तो वे देखती है कि चीची वहां पर नहीं है। अरे मैं तो अपनी बेटी को यहीं पर खेलते हुए छोड़कर गई थी, ये कहाँ चली गई? लगता है कालू के साथ कहीं खेलने चली गई। चलो अभी वो आ जाएगी, इतने में आराम कर लेती हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है, परंतु चीची वापस नहीं आती। अरे शाम हो गई और चीची अभी तक नहीं आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कालू के पास जाती हूँ, उसे तो पता होगा मेरी बेटी कहाँ है। ये सोचकर टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवे, तुम्हारे साथ मेरी बेटी खेल रही थी, क्या तुमने उसे देखा है? ये सुनते ही काला कौवा घबरा जाता है। नहीं नहीं आंटी, मैंने उसे नहीं देखा है, मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहां से आ गया था। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? बेटा अगर तुमने देखा है या तुम्हें पता है चीची कहाँ है तो आंटी को बता दो, वो परेशान हो रही है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता चीची कहाँ है, मैं तो वहां से आ गया था। चीची की मम्मी पूरे जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। इधर चीची भूख से तड़प रही होती है। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है, यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं सिर्फ अंधेरा है, मम्मी आप कहाँ चली गई? चीची को उस गड्ढे में बहुत डर लगता है। वे नन्ही सी चिड़िया
उस गड्ढे में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। मेरी बेटी कहाँ होगी? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मम्मी, मम्मी, मुझे प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। बिचारी छोटी सी चिड़िया बेहोश हो जाती है। इधर काला कौवा सोचता है, अरे चींची गड्ढे में पता नहीं कैसी होगी, कहीं उसे कुछ होना गया हो। क्या मुझे आंटी को सच बता देना चाहिए? मैं क्या करूं? माँ, आंटी को तो लगेगा कि मैंने उसे धक्का दिया है। क्या हुआ कालू बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मम्मी, वो चीची और मैं जब खेल रहे थे तो चीची का पैर फिसल गया और वो गड्ढे में गिर गई। क्या, तुमने ये बात आंटी को क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था। मुझे लगा था कि आंटी मुझे बहुत डांटेंगी, उन्हें लगेगा कि मैंने ही चीची को धक्का दिया है, पर मैंने चीची को धक्का नहीं दिया है। चलो कोई नहीं, हमें जा करके चीची की मम्मा को ये सारी बातें बतानी होंगी। पता नहीं चीची किस हाल में होगी। वह दोनों इधर टोनी के पास आते हैं और टोनी को सब कुछ बता देते हैं। वो तीनों जल्द ही पास वाली पहाड़ी के पास जाते हैं। चीची, चीची, मेरी बेटी, चीची। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं चीची को कुछ होना गया हो। चीची, चीची, चीची। टोनी जोर जोर से चीची चिल्लाती रहती है, परंतु वहां से कोई आवाज नहीं आती है। मुझे लगता है कि चीची बेहोश हो गई है। मुझे लगता है कि हमें उसे पानी देना चाहिए। ये सोचकर काली कौवी जाकर पानी लेकर आती है और उस गड्ढे में थोड़ा पानी डालती है। वो पानी की बूंदें जैसे ही चीची के चेहरे पर पड़ती हैं, उसे होश आ जाता है। मम्मी, मम्मी, चीची है अंदर, चीची जिंदा है। मैं अपनी बेटी को कैसे निकालूं? चीची, चीची, मम्मी, मम्मी। काली कौवी जा करके रस्सी लेकर आती है और वे रस्सी वे गड्ढे में डाल देती है। चीची बेटा, इस रस्सी को पकड़ो और आ जाओ ऊपर। चीची बहुत हिम्मत करके उठती है और रस्सी पकड़ लेती है। काली कौवी और टोनी रस्सी खींचते हैं और चीची को ऊपर ले आते हैं। चीची, मेरी बेटी। वे सब लोग घर पर आते हैं और टोनी और काली कौवी अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें कभी भी बिना अपने माता पिता को बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, और अगर गलती से उनसे कुछ हो भी जाए तो उन्हें अपनी मम्मा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। काला कौवा भी अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा होता है और वह अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ना बताने की वजह से शायद चीची की जान भी जा सकती थी। अब आगे से कभी नहीं करूँगा ऐसा। बच्चों, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसे छुपाना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा घर था जिसमें टीना और पूजा नाम की दो बहनें रहा करती थी। पूजा बहुत ही समझदार थी जबकि टीना बहुत ही चंचल और शैतान थी। एक दिन पूजा की माँ पूजा से कहती है, बेटा आज घर पर पूजा है, जाकर मंदिर से ताज़े ताज़े फूल ले आओ ताकि हम माता को चढ़ा सकें। ठीक है माँ, मैं अभी जा कर के फूल लेकर के आती हूँ। ये कहकर पूजा फूल लेने चली जाती है और फूल लेकर के रास्ते में आने लगती है। तभी उसे टीना मिलती है। दीदी, दीदी, मम्मी ने कहा है आप ये फूल मुझे दे दीजिए, ये पूजा में नहीं रखे जाएंगे। तो फिर पूजा में क्या रखा जाएगा? पूजा में पत्ते रखे जाएंगे, आप जा कर के पत्ते ले आइए और ये फूल मुझे दे दीजिए। पत्ते? लेकिन पूजा में तो पत्ते नहीं रखे जाते।
उसमें तो फूल रखे जाते हैं ना, ताज़े ताज़े। नहीं, मम्मी ने कहा है कि आप पत्ते लेकर आइए और फूल मुझे दे दीजिए। ठीक है, लो तुम ये फूल ले लो, मैं जा कर के पत्ते लेकर के आती हूँ। ये कह कर के पूजा फूल टीना को दे कर के पत्ते लेने चली जाती है। पूजा पत्ते लेकर के घर वापस आती है। माँ माँ लीजिए, मैं पत्ते ले आई। पत्ते? पर मैंने तो तुमसे फूल मंगाए थे, तुम पत्ते क्यों ले आई? मम्मी आपने तो कहा था ना कि तुम्हें पत्ते लाने हैं ताज़े ताज़े। तुमसे किसने कहा कि मैंने पत्ते मंगाए थे? मुझसे टीना ने कहा कि आपने पत्ते मंगाए थे। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, मैंने पत्ते नहीं मंगाए थे, मैंने ताज़े फूल मंगाए थे। तुम्हें पता नहीं पूजा में फूल रखे जाते हैं ना कि पत्ते। पर मम्मी टीना ने मुझसे कहा कि मम्मी ने पत्ते मंगाए हैं। टीना ने कहा, मैं टीना को देखती हूँ अभी। टीना टीना। जी मम्मी। तुमने पूजा से ये कहा कि तुम्हें पत्ते लाने हैं? नहीं मम्मी, मैंने तो नहीं कहा, बल्कि मैं तो खुद ही फ्लावर्स लेकर आई हूँ ताज़े ताज़े। देखिए, देखो कितनी समझदार बच्ची है, एक तो वो फूल लेकर के आई ताज़े ताज़े, ऊपर से तुम उसे लेकर के झूठ बोल रही हो, बहुत गलत बात है पूजा। ये कह करके उसकी माँ चली जाती है। पूजा टीना से कहती है, टीना तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, मैं तो आपको परेशान कर रही थी, पर तुम्हें टीना ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मम्मी मुझसे कितना गुस्सा हो रही है। हाँ, मजा आया, मैं तो आपको ऐसे ही परेशान करूंगी दीदी। ये कह करके टीना वहाँ से चली जाती है। वो सब लोग पूजा में बैठते हैं और पूजा करते हैं। अगली सुबह टीना स्कूल के लिए तैयार होती है। वो स्कूल जाने लगती है, लेकिन अपनी होमवर्क की कॉपी वह घर पर ही भूल जाती है और स्कूल चली जाती है। पूजा देखती है कि टीना स्कूल चली गई, लेकिन वो अपनी कॉपी भूल चुकी है। टीना स्कूल जाती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। क्लास में टीचर आती है और कहती है, बच्चों कल मैंने जो होमवर्क दिया था आप करके लेकर आए हो? ओह गॉड, मैं तो भूल गई, मेरी तो कॉपी घर पर ही रह गई। अब मैं मैम से क्या कहूँगी, मैम तो मुझे बहुत मारेंगी, अब मैं क्या करूँ? उधर पूजा टीना की कॉपी उठाती है। मुझे लगता है कि टीना कॉपी भूल गई है, मुझे कॉपी देकर आना चाहिए, इसमें उसने होमवर्क किया हुआ है, अगर मैं नहीं गई तो उसकी टीचर उसे बहुत मारेंगी। पूजा टीना के स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके स्कूल जाती है। रास्ते में वे सोचती है, टीना अभी बच्ची है, वो शैतानी करती है, मुझे उसे माफ़ करना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। खैर मैं उसकी कॉपी दे आती हूँ। वो स्कूल जाती है और स्कूल जाकर के उसकी टीचर से कहती है, मैम मैं टीना की बड़ी बहन हूँ, क्या मैं टीना से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा मिल लो। टीना लो ये तुम्हारी कॉपी है, इसमें तुमने होमवर्क किया था, तुम घर पर ही भूल आई थी। थैंक यू सो मच दीदी, आप ये लेकर आई। ठीक है। ये कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। जब शाम को टीना घर वापस आती है तो वह पूजा से कहती है, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कितना परेशान करती हूँ ना, फिर भी आपने मेरी हेल्प की, आप मेरे लिए वहाँ कॉपी लेकर के गई और आपने मुझे पिटने से बचा लिया। दीदी थैंक यू सो मच, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी। कोई बात नहीं टीना, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन हो तो अब आगे से परेशान मत करना। हाँ दीदी मैं परेशान नहीं करूँगी।